नमस्कार। आज हम कुछ ऐसी तरकीब सीखेंगे जिससे कैलकुलेटर से पहले हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए, नंबर पहले से लिखे हुए हैं और इसका स्क्वायर हमें निकालना है। तो ये देखिए, ये पहला वाला स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर, तो इसमें 25 तो आता ही है। अब ये आने वाला जो नंबर है वो देखिए, यहाँ पे देखना है, ये एक है, एक के आगे आने वाला नंबर दो होता है, तो 1 × 2, तो ये दो ही रहेगा, तो ये दो हम यहाँ लिखेंगे, ये हो गया 15 का स्क्वायर। अब ये 25 है, 25 के आगे 25 ही लिखना है, पहला 25 ही आता है इसमें। और यहाँ का जो नंबर है वो पहले ये देखना है, ये दो है, इसके आगे आने वाला नंबर तीन होता है, 2 × 3, तो हमारा आंसर आएगा 6, और ये हो गया 625। अब ये 35 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले 25 ही लिखना है। अब यहाँ का नंबर ये तीन है, नेक्स्ट नंबर 4, तो हमें 3 × 4 करना है, तो ये हो गया 12, टोटल स्क्वायर विल बी 1225। अब देखिए, 45 का हमें निकालना है, तो पहले 25 ही लिखना है, उसके बाद ये 4 है, आगे आने वाला नंबर 5, 4 × 5, तो ये हो गया 20, टोटल नंबर 225। हम आगे देखेंगे, आप 55, इसमें 25 तो आएगा ही है हमारा, ये नंबर है 5, आगे आने वाला नंबर होता है 6 × 5, या 5 × 6 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 30, 325। 65 का निकालना है, पहले 25, ये 6, आगे का नंबर 7, 6 7 टाइम्स यानी 42, टोटल स्क्वायर 4225। ये देखिए 75, इसका आंसर 25। अब ये 7, नेक्स्ट नंबर है 8, तो टोटल हो गया 56। अभी इसके आगे 85 है, 25 तो आने ही वाला है हमारा, 8, नेक्स्ट नंबर 9, तो 8 9 टाइम्स 72, टोटल स्क्वायर 7225। ये लास्ट का नंबर है, 25 तो आता ही है, ये है 9, नेक्स्ट नंबर 9 का 10 यानी 9 × 10, तो 9 10 टाइम्स इज इक्वल टू 90, 9025। तो इस तरह से जिस नंबर के लास्ट में 5 है, वो नंबर देखने के बाद हम सीधा स्क्वायर निकाल सकते हैं। इट्स अ बिग मैजिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।